Hello student, I am your EVS teacher Omrita Shaha, Assistant Teacher of Barakpur Senior Public Higher Secondary School. Today, I will like to discuss about my neighborhood. At first, I like to say what are neighbors. The families living near our house are our neighbors. जो सारा परिवार हम लोगों के घर के अगल बगल में रहते हैं वो लोगों को नेवर्स बोला जाता है एंड वाटर नेवर रूट्स नेवर रूट्स किसको बोला जाता है द हाउस इज़ बिल्ड क्लोज टू ईच अदर मेकअप ए नेवर जब एक दूसरे घर एक दूसरे के बहुत नगीच में होता है तो वो एक नेवर रूट कहा जाता है नाउ

हम लोग ए क्यों जाते हैं पैसा जमा करने या पैसा उठाने पोस्ट ऑफिस वी गो टू पोस्ट ऑफिस टू सेंड लेटर्स एंड पार्सल्स हम लोग पोस्ट ऑफिस चिट्ठी या पार्सल्स सेंड करने जाते हैं क्योंकि हम लोग पोस्ट ऑफिस में जब चिट्ठी दे आते हैं तो वो पोस्ट ऑफिस मैन वो चिट्ठी को उसका सही ठिकाना तक डेस्टिनी तक पहुंचा देता है सुपर मार्केट वी गो टू द सुपर मार्केट टू बाई एंड फूड अदर थिंग्स। हम लोग सुपर मार्केट क्यों जाते हैं हम लोग सुपर मार्केट जाते हैं खाना या खाने से रिलेटेड कोई भी चीज़ खरीदने के लिए क्योंकि हम लोगों के डेली नीड्स के लिए खाने के साथ साथ बहुत सारे चीज़ें भी ज़रूरी होता है जो सुपर मार्केट में अवेलेबल रहता है हम लोग वहाँ जा वो ख़रीद पाते हैं स्कूल वी गो टू द स्कूल टू लर्न एंड स्टडी हम लोग स्कूल क्यों जाते हैं पढ़ने लिखने जाते हैं क्योंकि स्कूल से ही हम लोग ज्ञान अर्जन करते हैं तो पढ़ने लिखने के लिए और शिक्षित होने के लिए एडुकेटेड होने के लिए हम लोगों को स्कूल जाना चाहिए बस स्टॉप वी गो टू द बस स्टॉप टू कैच अ बस हम लोग बस स्टॉप क्यों जाते हैं कोई भी बस पकड़ने के लिए हम लोगों को बस स्टॉप जाना पड़ता है क्योंकि बस स्टॉप एक ऐसा जगह है जहाँ पर हर बस आके रुकता है जिससे आदमी वहाँ पर बस में चढ़ सकता है या वहाँ पे बस से उतर सकता है तो हम लोगों को कभी भी अगर ऐसे जगह जाना पड़ा जिसके लिए बस में ट्रेवल करना हो तो हम लोगों को बस स्टॉप में जाना पड़ेगा फिर हम लोग वहाँ से बस पकड़ पाएंगे हॉस्पिटल वी गो टू द हॉस्पिटल वन वी आर सिक तो जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तब हम लोगों को स्वस्थ होने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नर्सेस ऑलवेज अवेलेबल रहता है डॉक्टर्स हम लोगों का ट्रीटमेंट करके हम लोगों को फिर से स्वस्थ बना देते हैं और नर्सेस हम लोगों का टेक केयर करके हम लोगों को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं इसीलिए हॉस्पिटल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है पुलिस स्टेशन वी गो टू द पुलिस स्टेशन टू रिपोर्ट अ क्राइम हम लोग पुलिस स्टेशन क्यों जाते हैं कोई भी क्राइम का रिपोर्ट करने के लिए किसी का कुछ गुम गया या कहीं पर कुछ गलत हुआ तो उसका इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं सिनेमा थिएटर वी गो टू द सिनेमा थिएटर टू वॉच अ मूवी सिनेमा थिएटर हम लोग क्यों जाते हैं मूवी देखने क्योंकि कोई भी मूवी सबसे पहले सिनेमा थिएटर में आता है एंड वहीं से हम लोग मूवी देख पाते हैं तो बहुत एंटरटेन होने के लिए और एंजॉय करने के लिए हम लोग सिनेमा हॉल जाते हैं फायर स्टेशन वी कॉल द फायर स्टेशन इन द केस ऑफ़ फायर कहीं पर कहीं आग लग जाए तो हम लोग फायर स्टेशन में तुरंत फ़ोन करते हैं जिससे फायर ब्रिगेड आकर वो आग बुझाकर हम लोगों का हेल्प करते हैं फ़ार्मासी वेरी इम्पोर्टेंट नेवर प्लेस इज़ फार्मासी फार्मासी हम लोग क्यों जाते हैं वी गो टू द फार्मसी टू बाई मेडिसिन तो हम लोग का जब तबीयत ख़राब होता है तो दवाई खरीदने के लिए या डॉक्टर का प्रिस्क्राइब किया दवाई ख़रीदने के लिए हम लोग को फार्मेसी जाना पड़ता है क्योंकि फार्मेसी में हर मेडिसिन अवेलेबल रहता है वहाँ जाके हम लोग दवाई ख़रीद के उसको खाने से तबीयत पूरा ठीक हो जाता है पार्क वी गो टू द पार्क टू प्ले तो पार्क बच्चों का बहुत ही फेवरेट जगह है एवरी इवनिंग बहुत सारे बच्चे एल्डर के साथ पेरेंट्स के साथ पार्क में जाते हैं क्योंकि पार्क में बहुत सारे खिलौना होता है जिसमें खेलने में बहुत मज़ा आता है और आउटडोर गेम्स खेलने से हम लोगों का तबीयत भी बहुत अच्छा रहता है सो so, पार्क इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर नेबरहुड लाइब्रेरी वी गो टू द लाइब्रेरी टू रीड एंड बोरो बुक्स तो लाइब्रेरी एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत सारे बुक्स रहता है जो बुक्स हम लोग वहाँ जा कर बैठ के भी पढ़ सकते हैं या ज़रूरत पड़ने से उसको घर में ले आके एक लिमिटेड पीरियड के अंदर पढ़ के फिर वापस दे आते हैं bakery we go to the bakery to buy bread and biscuits तो हम लोगों का daily needs में तो breads and biscuits लगता ही है तो ये जो breads and biscuits है ये bakery में मिलता है तो हम लोग bakery में जाके breads and biscuits खरीद पाते हैं so student I hope you are all enjoying this chapter by